हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राघव एंड बुल्ली चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज देखो हमारा रॉकी सुबह सुबह उठ गया है और ये देखो ये बड़ा शांत सा है। और देखो हमारा एक और कुत्ता है जो डोडो है, देखो ये बैठा, वो देखो ये रहा, ये बहुत ही सीधा है हमारा कुत्ता डोडो। देखो ये बहुत सीधा कुत्ता है। और अब दोस्तों उसको देखना जरा, देखो उसके बड़ी दिक्कत होने लग जाती है जब मैं डोडो के पास आती हूँ उसको खिलाती हूँ, तो ये बहुत चिढ़ता है डोडो से। देखो दोस्तों अब ये हल्ला मचाएगा। तो मैं इसको खिला रही हूँ तो देखो वो चिढ़ रहा है, वो पीछे से रो रहा है, उसकी आवाज आ रही है, वो नहीं चाहता कि मैं इसको खिलाऊं। देखो दोस्तों मैं इसको खोलूंगी तो देखना ये इसके पास आएगा, देखना दोस्तों। से लड़ रहा है। ये देखिए ये सामने खड़ा है, ये नहीं लड़ता, ये बहुत अच्छा कुत्ता है हमारा, ये लड़ता वड़ता नहीं है। और ये पिटबुल के साथ भी खेलता है, बस ये डोडो के साथ कभी कभी लड़ाई करने लगता है, वैसे नहीं लड़ता। रॉकी रॉकी आ, रॉकी ले, देखो दोस्तों वो नहीं आ रहा, वो लड़ रहा है वहीं पे। रॉकी आ, रॉकी आ, रॉकी आ, देखो दोस्तों मैंने बुलाया है तो देखो आ गया, अब इससे लड़ी रही। ये देखो दोस्तों आज देखन इसके साथ शुरू हो गया, बस बस बस। देखो ये भी खेलने लगा, ये इसी के साथ खेलता है। देखिए दोस्तों अब दोस्तों हम इनको नहर पे लेकर के जाएंगे, इनको घुमा करके लाएंगे, क्योंकि आज सुबह से मैं इन्हें घुमाने के लिए कहीं नहीं ले गई और कल शाम भी नहीं लेके गई थी, तो अब इनको ले जाएंगे हम घुमाने के लिए। दोस्तों ये दोनों बंधे रहते हैं लेकिन हमारा डोडो खुला हुआ रहता है, क्योंकि वो हमने पाला नहीं था, ये दोनों पालतू हैं लेकिन वो घर ही रहता है। ये हम इनको ले करके जा रहे थे तो तभी देखो ये कैसे भौंकने लगे, ये देखो ये भौंक रहे हैं, ये देखो और इसको देखो, ये देखो किस तरह से भौंक रहे हैं, ये देखो इनको लेकर के जा रहे हैं तो देखो वो कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं, चारों तरफ हाय हाय हो जाती है जब इनको लेकर के जाते हैं। देखो दोस्तों ये देखो ये आ गए, ये रहे ये कुत्ते भौंक रहे हैं इन पर, और देखिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आराम से चलते जाते हैं। और देखिए दोस्तों आपको दिखाऊंगी मैं, आगे भी है देखो वो रहे कुत्ते। देखिए दोस्तों देखो वो खड़े कुत्ते, देखिए ये देखिए दोस्तों ये कैसे किस तरह से घूम रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखिए ये भौंक रहे हैं। देखो इनको लेकर के जाते हैं तो हम डेली ये ऐसे ही भौंकते हैं इन पे, ये खोल दिए हमने, देखो वो तो चला गया और इसको भी खोल रहे हैं। देखो अब ये इन्हें आजाद कर दिया, अब ये फ्री चलेंगे एकदम से। देखो दोस्तों अब ये चले गए, देखो
अभी आगे चले जाएंगे, फिर वहां से देखेंगे हम लोग आ रहे हैं कि नहीं। देखो वो देखने लगा कि आ रहे हैं कि नहीं, और ये देखो छोटा वाला पता नहीं क्या करता रहता है। ये रॉकी जा रहा है अपनी धुन में, और ये देखिए चल सीधा। दोस्तों इसका डर लगा ही रहता है कि ये कहीं किसी को काट कूट ना ले। वो वाला है वो तो ठीक रहता है। देखिए दोस्तों वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो खजाना खोद रहा है। उसके पुरखे गाड़ के गए थे यहाँ पे, तू भी खोद ले भाई। ये देख रहा है कि कहाँ पे है। देखिए वो, उसको खजाना मिल गया, वो लेके चला गया। उसका खजाना सिर्फ कंकड़ ही होता है, मिट्टी के डले को लेके मुंह में चला जाता है वो। दोस्तों हम लोग आ गए हैं नहर पे, और ये देखिए नहर में आज पानी भी है, शायद ये आई थी। देखिए दोस्तों इसमें पानी है नहर में, और ये देखिए दोस्तों ये पता नहीं क्या करने से लग रहे हैं दोनों। अब ये दोनों नहर पे एक्टिव हो जाएंगे, खेलेंगे ये एक साथ। देखिए दोस्तों ये खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों वो कहाँ है, देखो वो बैठा, उसे बहुत जल्दी धूप लग जाती है, वो छाया में बैठ गया है। ये देखिए दोस्तों हम जा रहे हैं अब फार्म की तरफ फिर से, तो ये देखिए कैसे बैठ गया, ये थक गया है और इसको धूप बहुत लगती है। और देखो दोस्तों ये जब भी खेत पर आता है उसके मुंह में ये कंकड़ हमेशा मिलेगा, क्योंकि ये कंकड़ को पता नहीं क्या करता है। ये हमारा कुत्ता बॉल से बहुत खेलता है, लेकिन जब बॉल हम लेकर के आते हैं तब दोस्तों ये नहीं खेलता है बॉल से, इसीलिए कंकड़ से खेलता रहता है। और हम बॉल फिर लेकर भी नहीं आते, क्या फ़ायदा। और गेहूँ में अगर इतने बड़े बड़े गेहूँ हैं, अगर इनमें बॉल फेंक भी दी दोस्तों तो फिर ये बॉल मिलेगी नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे खेत पे से कंकड़ से खिलाते हैं, घर पे खिलाते हैं बॉल से। तो दोस्तों किसी दिन मैं ब्लॉग डालूंगी बॉल से खिलाने वाला, आप ज़रूर देखना। वो मेरी बहन है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे खेलते हैं वैसे आपको बताएंगे, वो छुप जाएगी यहाँ पे, ये लहटा जो हो रहा है उसमें छुप जाएगी, और देखना ये हमारा कुत्ता ढूंढ पाएगा या नहीं। देखते हैं हम, वो वाला तो साथ में पिटबुल रह गया है, उसको देखते हैं वो ढूंढ पाएगा या नहीं। तो दोस्तों देखिएगा हम छुपने जा रहे हैं, तो देखो वो ढूंढने के लिए आ रहा है, और ये देखिए ये ढूंढ रहा है। देखो दोस्तों ढूंढ पाएगा या नहीं, रॉकी ढूंढ। देखो दोस्तों गया वो, अब पता नहीं ढूंढेगा या नहीं। देखिए दोस्तों मेरी बहन आवाज़ दे रही है वहाँ से, और ये देखिए टाइगर तो वहीं खड़ा है और ये ढूंढ रहा है, उसमें ढूंढ रहा है। दोस्तों पकड़ लिया उसको, आ जाओ बाहर, कर दिया दोस्तों धप्पा इसने जा करके। देखिए ये हाइड एंड सी बहुत अच्छा खेलता है हमारा कुत्ता, ये पिटबुल है जो, लेकिन वो नहीं खेल पाता, वो सिर्फ बॉल से ही खेलना जानता है। देखिए ये पता नहीं क्या कर रहा है, देखो ये दोस्तों देखो परेशान कर रहा है, ये हमारी चाची है इनको परेशान कर रहा है ये, और देखो वो भी चला गया, खिला रहा है। वो बहुत दूर चले गए तो बुला रहा है, बुलाने का ये सबसे अच्छा आइडिया है कि कंकड़ लो और फेंको, तो ये कंकड़ की तरफ आता है। ये देखो दोस्तों, लेकिन वो वाला वहीं खड़ा है दोस्तों, देखो देखो दोस्ती, देखो दोस्तों कितनी तेज भाग करके आ रहा है। ये देखो हमारा टाइगर है जो वो हमारा इंतजार कर रहा है, और मैं और रॉकी पीछे से जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए वो पहले आगे चला जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर इंतजार करता है, और उसको गर्मी बहुत लगती है, तो वो देखो गेहूं के बीच में बैठा हुआ है। और देखो दोस्तों कैसे जीभ निकाल रहा है, इंतजार कर रहा है, और देखो वो पहुंच गया। अब देखो शुरू हो जाएगा, फिर से आगे जाएगा। ये क्या कर रहा है पता नहीं, ये क्या कर रहा है। अच्छा ये अपनी ईंट इसने छोड़ दी है मुंह में, और देखो फिर से ले करके फिर आगे जाएगा। देखो दोस्तों ईंट को नहीं छोड़ता है अपनी को, मुंह में कुछ भी मिल जाए उसको ले करके ही जाना है, और दोस्तों लास्ट तक घर तक ले करके जाता है। अब देखो दोस्तों ये दोनों खेल रहे हैं वहाँ पर, छोटा वाला तो दोस्तों मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अब पता नहीं दोनों ही कहाँ गए। देखो ये ऐसे ही छुप जाते हैं, हाइड एंड सी खेलते हैं दोस्तों ये। देखो निकल आया, देखो ये किस चीज़ में कूद गए, देखो यहाँ गड्ढा सा हो रहा था, दोनों लोग उसमें जा, दोनों कुत्ते उसमें जाकर कूद गए। देखो वो छोटा वाला भी आएगा, रोकिया रोकिया। देखो उसे लग रहा है पता नहीं मैं क्या खाने के लिए दे रही हूँ, वो फिर से चला गया। देखो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।